नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर मैं हूं अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन के अंदर सेशन क्या है आपको सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा भूमिका बना देते हैं ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ पाए अच्छा आपको मालूम है कि भारत में अक्सर जब जब कोई विदेशी आया आकर के उसने भारत को जिस तरह से देखा उसने जाकर अपने देश में उसकी व्याख्या की उस व्याख्या को हम लोग आज तक की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं उदाहरण के लिए आज अगर हम

कि दुनिया में किसी और ने हमारे बारे में क्या कहा हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये सेकेंडरी पार्ट है किसी और ने हमारे बारे में क्या सोचा हिंडनबर्ग ने हमारे बारे में क्या कहा सोरोस ने हमारे बारे में क्या कहा अब ऐसे ही कोई चीनी पत्रकार हमारे बारे में क्या कह रहा है ये हमारे ऊपर बहुत फ़र्क डाल रहा है हेडलाइन बन जाती है भाई हमारी हमारी मतलब अब ब्रिंगिंग इस तरह से हुई है कि हम लोग औरों के द्वारा हमारे लिए क्या कहा गया है उसे पढ़ पढ़ के इज्जत पाए हैं इंडिका मैगस्थनीज ये सब हम सुन सुन के बड़े हुए हैं कि यार ऐसा उसने कहा था अच्छा फिर तो हम बड़े आदमी होंगे टाइप से अभी रिसेंटली चीन का एक अखबार है जिसका नाम ग्लोबल टाइम्स है ग्लोबल टाइम्स आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी अखबार है सरकारी सूचनाएं ही लिखता है अक्सर जहर उगलने के लिए जाना जाता है दुनिया भर में भारत के खिलाफ बातें लिखने के लिए भारत के खिलाफ तंज कसने के लिए दुनिया में भारत अमेरिका की मजाक बनाने के लिए चीनी पॉलिसी को चलाता है उसमें भारत के समर्थन में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल छपा है और जिस पत्रकार ने आर्टिकल छापा है उसने अपने अनुभव उसके अंदर साझा किए हैं कि भारत अब भारत नरेटिव सेट कर रहा है एक डेवलप्ड कंट्री की तरह आगे बढ़ रहा है इसी विषय पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि चाहे ना ये कौआ हंस की चाल कैसे चलने लगा या हमको इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आने लगा या इनको में इतना इंटरेस्ट क्यों आने लगा इसलिए सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आप एक बार जल्दी से इस सेशन को साझा कर दीजिए साथियों के साथ में और इसको समझना शुरू करते हैं तो ठीक है साहब चीन जो कि एशिया में इंडिया को अपना कॉम्पिटिटिव मानता है जिसको लेकर के कई बार इस तरह के बयान है कि चाइना प्रेजेस इंडिया ग्रोथ अंडर पीएम मोदी तो ये न्यूज तो साहब अपने आप में ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती पैसे दे लिखवाई गई न्यूज हो क्योंकि चाइना और ऐसी बात समझ से परे है लेकिन फिर भी हुआ सुर्खियां आपके सामने गवाह हैं इंडिया इंडीड ए ग्लोबल पावर रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग टू बिकम ए डेवलप्ड इकोनॉमी यहां पर यह न्यूज हेडलाइन बन जाती है और हर अखबार इसे उठा लेता है कि चाइना के अंदर हमारी तारीफ छपी है क्या तारीफ है तो यह ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइंस आप यहां पर देखें यहां लिखा है व्हाट आई फील अबाउट दी भारत नरेटिव इन इंडिया अच्छा ये जो पॉइंट है ना भारत नरेटिव भारत नरेटिव का मतलब क्या है कोई बात है जिसको कि नैरेटिव सेट करके चलाया जा रहा है कि यही बताना है जैसे कई चुनाव प्रचारों में होता है कि भाई फलानी पॉलिटिकल पार्टी चोर है अब चोर का नैरेटिव चलाना है ठीक है ना नैरेटिव मतलब कोई एक विचारधारा जिसको कि इतना ज्यादा प्रपोगेट किया जाए कि वो लोगों को लगने लगे कि ये सच हो गया है एक विचार एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाए तो यहां पर चीनी पत्रकार के द्वारा जो बातें लिखी गई हैं इस पूरे आर्टिकल में वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा साथ में ये भी बताऊंगा कि इसकी नजर में भारत नैरेटिव का मतलब क्या है कि भारत नैरेट दुनिया में इन दिनों स्ट्रांगली भारत अपकमिंग इकोनॉमी है भारत डेवलप्ड इकोनॉमी बनने वाला है भारत अपना इंटरनेशनली यो बूम कर रहा है हम जितना भी भारत 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 कर रहे हैं चीन इसे कैसे देखता है क्या वाकई में भारत नैरेटिव बन रहा है क्या जैसे आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए जब मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो मोदी के गुजरात मॉडल का नरेटिव सेट किया गया था लोगों के दिमाग में एक विचार सेट किया गया था कि गुजरात में इन्होंने ऐसा किया है तो सोचो इंडिया में कैसा करेंगे है ना ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी करती है जैसे कि आम आदमी पार्टी ने किया कि हमने दिल्ली में ऐसा किया तो सोचिए हम पंजाब में कैसा करेंगे इस आधार पर उन्होंने पंजाब का इलेक्शन कंटेस्ट किया यह नरेटिव बिल्डिंग होती है कि ऐसे इंडिया वर्ल्ड में भारत नरेटिव सेट कर रहा है भारत को भारत या भारत के नेता पिच कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च लेवल का ठीक है इसी के बारे में इस पत्रकार ने अपनी बातें लिखी कहा कि मैंने हाल ही में भारत में दो बार यात्रा की आई रिसेंटली विजिटेड इंडिया ट्वाइस मार्किंग माई फर्स्ट विजिट इन फोर ईयर चार साल में पहली बार गया ड्यूरिंग दिस ईयर आई फाउंड दैट इंडिया डोमेस्टिक एंड फॉरन सिचुएशन हैज चेंज है कंपेर टू फोर ईयर चार साल के अंदर भारत की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत ज्यादा बदली है इंडिया हैज अचीव्ड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गवर्नेंस एंड इट्स ग्रेट पावर स्ट्रेटेजी हैज मूव फ्रॉम द ड्रीम टू रियलिटी। जो इंडिया के लोग सोचते थे कि हम ग्रेट पावर बनेंगे ये इनके ड्रीम से कहीं अधिक अब एक रियलिटी बनकर के आ रहा है यानी कि सपने से कहीं बड़ा हकीकत बनकर आ रहा है तो ऐसी स्थिति में इंडिया ने अचीव किया है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हाउ पोटेंशियल रिस्क एंड क्राइसिस बिगन टू बी अनफोल्ड मतलब

अपना मुकाम हासिल किया है अब इस बात को हम पुख्ता दर्शाते हुए आपके सामने कुछ आंकड़े दर्शा देते हैं इकोनॉमी की जब यह बात कर रहा है तो क्या यह सच है बिल्कुल सच है कोरोना के बाद भारत ने बहुत अच्छा कम किया और कम करके अल्टीमेटली अपने आप को मेंटेन करके दुनिया में फास्टेस्ट इकोनॉमीज में आगे बढ़ रहा है यह खबर अपने आप में इस बात को पुष्ट करती है कि इंडिया का जीडीपी डी एस्टिमेट जो ग्रोथ है वो 6.7 दशमलव सात परसेंट आई ने खुद ने हमारे लिए प्रोडिक्ट किया है आई ने दो के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट छह दशमलव अज्यूम की है आप यहां पर देख सकते हैं कि दुनिया के सभी देशों में इंडिया सबसे तेजी से बढ़ेगा ये आई ने भी हमारे बारे में प्रेडिक्ट किया है ठीक है साहब आगे बढ़ते हैं साथ ही साथ जिस तरह से इसने यह कहा कि हम सोशल और इकोनॉमिक आधार पर बहुत अच्छा चल रहे हैं उसको प्रमाणित करते हुए कुछ उदाहरण हैं जैसे आपको हाल ही में याद होगा कि जब फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया आए थे जी के समय तो भारत ने अपने यूपीआई का उनके सामने डेमो करके दिखाया था ऐसे ही एक जर्मन के नेता को यूपीआई से शॉपिंग से परचेज करते हुए दिखाया गया अब आपको यह लगेगा कि यूपीआई कौन सी बड़ी बात है बात इनके लिए बड़ी नहीं है जो सामने बैठे व्यक्ति है जो सब्जी बेच रहा है वो भी टेक्नोलॉजी से फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ चुका है यानी कि जो टेक्नोलॉजी है बैंकिंग है ऑनलाइन मेथोडोलॉजी है उससे वो मेन स्ट्रीम में आ गया है ये बड़ी बात है ठीक है ना इसी प्रकार से जी ट्वेंटी का हमने प्रॉपर डेमो करके दिखाया ये इन बात को पुष्ट करने के लिए कि चार सालों में इंडिया में वाकई में कुछ हुआ है क्या तो ये सब वो पिक्चर्स हैं जो इस बात को जो चाइनीज पत्रकार के द्वारा कही गई बातें हैं उसको बैक करती हैं और क्या कहा उसने अच्छा द वे मैं यूपीआई के बारे में एक जानकारी और आपको बता दूं कि इंडिया ने हाल ही में यूपीआई के अंदर तो रिकॉर्ड ही स्थापित कर दिया है आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमने दो में अठारह लाख करोड़ रुपए का यूपीआई से ट्रांजेक्शन किया है ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है नौ दशमलव बिलियन ट्रांजेक्शन किए किए हैं यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन माध्यम से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया ने इकोनॉमी के सेक्टर में की है इसने अपनी लाइन में एक और बात बोली और वो क्या बोली हाल ही में इसने ये बात भी मेंशन करी कि नई दिल्ली ने अर्बन गवर्नेंस के अंदर यानी कि शहरी सशासन के अंदर बेहतरीन प्रोग्रेस दर्ज की है इसमें इसने ये कहा कि पहले तो जैसे ही हवाई अड्डे से उतरते थे तुरंत बदबू आने लगती थी एक विशेष प्रकार की स्महल आने लगती थी लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था आपको याद होगा भारत में स्वच्छ भारत मिशन बहुत तेजी से काम कर रहा है आपके घर से भी रोजाना एक गाड़ी वाली गाड़ी कचरा वाली गाड़ी आती है जो कचरा लेकर के जा रही है स्वच्छता के लिए शौचालय बनाए गए हैं शौचालय के साथ साथ साफ सफाई कचरा सकेंद्रण कचरे का साथ साथ वापस से रिसाइकल करना ये सब चीजें अब बेहतरीन तरीके से प्रोग्रेस में आ गई हैं इस वजह से इसने कहा चार साल में दिल्ली की आबो हवा यानी कि इंडिया की आबो हवा बदल गई है ऐसा इसने फील किया इसने और क्या कहा उसने कहा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स और उनका जो एटीट्यूड है वो चाइना के प्रति बड़ा ही रिलैक्स हो गया है पहले तक चाइना को ये लोग अपने साथ में बड़ा ही रूड तरीके से पेश आया करते थे इंडियन स्कॉलर्स यूज्ड टू प्राइमरिली फोकस ऑन चाइनास मेजर टू रिड्यूस द ट्रेड इंबैलेंस बट नाउ दे आर प्लेसिंग मोर एम्फेसाइज ऑन चाइना मतलब पहले जब इंडिया वालों से बात करते थे तब वो ये कहते थे कि चाइना से जो उनको व्यापार हो रहा है चाइना जो उनको एक्सपोर्ट कर रहा है जिससे कि इंडिया का ट्रेड बैलेंस बिगड़ रहा है चाइना से कम कैसे कराया जाए लेकिन बोले इस बार इनके बीच की चर्चा ये नहीं थी चाइना से कम कैसे कराया जाए इंडिया व इंडिया में लोगों के बीच में चर्चा ये थी कि इंडिया एक्सपोर्ट को कैसे इंक्रीज करे चाइना से हम ले रहे हैं कोई बात नहीं हम अपना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं इंडिया में अब इस तरह की बातें होने लगी हैं तो फिर सवाल बना कि क्या वाकई में इसने जो बात बोली है उसको प्रमाणित करती हुई जानकारी है क्या बिल्कुल है आप जरा यहां न्यूज़ देखिए इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट है ना वो तेरह दशमलव चौरासी फीसदी तेरह दशमलव आठ चार फीसदी इंक्रीज हुआ है गत वर्षों के अंदर आप खबर देखिए 2023-24 में जहां हमने बीस बाईस के अंदर हमने सात सौ सत्तर दशमलव एक आठ बिलियन का हमने एक्सपोर्ट का अचीव किया था आप देखिए 2023-24 का हमने टारगेट नौ बिलियन डॉलर का टारगेट रखा है यानी कि हम लोग आने वाले इस साल के अंदर इतने करोड़ रुपए का सामान न, कितना 900 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करेंगे यानी इंडिया इस बार यह चर्चा चर्चा नहीं कर कर रहा रहा कि किसी से कम है। इंडिया चर्चा कर रहा है मंगा तो कितना कितना भी लो हम एक्सपोर्ट करेंगे इस पर फोकस करो यानी कि इसकी जो ये बात है उसको भी प्रमाणित करते हुए खबरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया में है तीसरी बात इसने जो अपने मेजर बातों में कही वो यह है जैसे इकोनॉमी के बारे में इसने कहा इकोनॉमी के साथ साथ स्वच्छता के बारे में इसने कहा तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इस चाइनाजाइनी पत्रकार की वो क्या है विद इट्स रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इंडिया हैज बिकम मोर स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट एंड मोर प्रोएक्टिव इन क्रिएटिंग डेवलपिंग ए भारत नरेटिव यानी इंडिया के द्वारा भारत नरेटिव सेट किया जा रहा है जैसे मैंने आपसे कहा ना गुजरात मॉडल हुआ दिल्ली मॉडल हुआ ऐसे इंडिया एज ए होल भारत नरेटिव दुनिया में सेट कर रहा है और ऐसा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री निरंतर अपने लेवल पर इस कार्य को कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह बात किसी से छुपी हुई भी नहीं है भारत ने जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को इज्जत देना शुरू किया है भारत को इज्जत मिलना शुरू भी हुई है आपको एस जयशंकर साहब का कार्यकाल और उनकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की साख निर्माण हुआ है उसके बहुत उदाहरण मिले हैं आप हाल ही में हुए भारत के कुछ सेशंस जो हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर किए हैं आप उन्हें देख सकते हैं आपको याद होगा साल भर पहले यूएई ने भारत के बारे में कहा कि आपकी फॉरन पॉलिसी लाजवाब है ठीक इसी प्रकार से रिसेंट मैंने एक वीडियो किया है पांच दिन पहले जिसमें आपको बताया कि जयशंकर साहब से मिलने के लिए पुतिन ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ दिया ये अपने आप में बड़ी न्यूज बनी थी ठीक इसी प्रकार से हम रूस में पहुंच करके अमेरिका को नसीहत दे देते हैं इसी प्रकार से यूएन के अंदर हम पाकिस्तान को आईना दिखा देते हैं हम यूरोप में पहुंचकर यूरोप को आईना दिखा देते हैं तो दुनिया में भारत अपनी बात रखने वाला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा देश बनकर उभर रहा है यह बड़ी न्यूज है ठीक है ना यहां पर जयशंकर साहब ने हाल ही में एक बयान दिया जो कि सुर्खियों में है कि भारत को खुद से खुद के नैरेटिव को सेट करने की जरूरत है और ये उन्होंने हाल ही में एक इंटरनेशनल एक समिट एक के अंदर पुणे के अंदर सिंबायोसिस कॉलेज में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि पहले ब्रिटिशर्स जहां जहां राज करते थे उनके कुछ शब्द होते थे जैसे ट्रोजन हॉर्स नॉट अब वो हमारी आम बोलचाल की भाषा में कंठस्थ हो गए हैं क्यों ना हम अपने भी कुछ शब्दों का उपयोग करें जो दुनिया में हमारी पहचान बनाएं इन्होंने कहा कि चाइना से वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इंडिया के इतिहास पर कोई भी वेस्टर्न कंट्री बात नहीं कर रही है लेकिन ऐसा क्यों है हमें इससे बचना होगा और हमें इसको आगे बढ़ाना होगा ऐसी स्थिति में इनकी हाल ही की कि एक किताब आई है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स उसमें भी इन्होंने बकायदा इस विषय पर जोर दिया है और कहा है कि भारत क्यों ना इस तरह से दुनिया के सामने चीजों को देखे कि हमारा इतिहास भी उसके साथ जुड़ा हो जैसे इन्होंने अपने उदाहरण में कहा कि भाई जिस प्रकार से अभी रिसेंट डेज में अगर नोटिस किया जाए तो क्वाड समिट हुई तो क्वाड समिट को दशरथ के चार पुत्र के रूप में क्यों ना रिजेंबल करके देखा जाए तो बोले चीजों को हमें इंडियन अंदाज में देखना पड़ेगा इंडियन नरेटिव के रूप में देखना पड़ेगा कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि भारत और भारत की बात कहते हैं ना वो गाना है ना भारत का रहने वाला हूं भारत बात सुनाता हूं तो ये जो भारत की बात सुनाना जो भारत ने शुरू किया है चाइना इसे रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इंडिया एक मेजर पावर है एंड रैपिडली ये अपना इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है सो so दैट ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आप को बड़ा ही साउंड तरीके से रख सके अब बड़ा सवाल ये बनता है सर चाइना के मुंह से मतलब ये मुंह और की दाल वाली बात और हर की दाल वाली बात आ रही है समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति बोल कैसे रहा है ऐसा इसके पीछे के कई मायने निकलते हैं तो उनके निकालने का प्रयास करते हैं। चीन अल्टीमेटली भारत के पक्ष में ऐसी बातें क्यों कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं चीन ऐसा समझ रहा है कि भारत के लोग इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं कि दुनिया के देश उसके बारे में क्या सोचते हैं और इसी कारण से क्यों ना भारतीयों के दिमाग में इंडिया के प्रति एक सॉफ्ट इमेज बनाई जाए भारतीयों के दिमाग में चीन के प्रति एक सॉफ्ट इमेज बनाई जाए ऐसा क्यों है क्योंकि यह तो आप सबको मालूम है कि चीन और अमेरिका की बिल्कुल नहीं बन रही है ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका के विरोध में चीन भारत को अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाए तो फिर यह अमेरिका को हराने में और अमेरिका को दबाने में कामयाब हो जाएगा शायद यही एक सबसे बड़ा कारण रहा हो आप इधर खबर देख सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा चाइना को दबाने के तमाम प्रयास किए गए हैं अच्छा इसी बीच में आपको याद होगा जी ट्वेंटी की समिट हो जब अमेरिका ने भारत का सपोर्ट किया और उस मंच पर पूरा अमेरिका और अमेरिकी समर्थक लोग ही जी ट्वेंटी में दिखाई दिए शी जिनपिंग वहां पहुंचे तक नहीं उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में इंडिया चाइना को चाइना के सामने बेइज्जत कर दे तो इंडिया को अपने प्रति थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए इस तरह की लाइन हो सकता है डाली गई हो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका मिलकर के तमाम प्रकार के वेपन डेवलप कर रहे हैं संभवतः चीन को इस बात से दिक्कत हो कि अमेरिका अगर भारत के बहुत ज्यादा करीब आ गया तो इससे अल्टीमेटली नुकसान तो चीन को ही होगा यही कारण है कि भारत के द्वारा चीन के जो दुश्मन हैं उनकी भी मदद की जा रही है आपको याद होगा जो साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस है वियतनाम है भारत के द्वारा इनको सपोर्ट किया जा रहा है दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग अपनी लड़ाई खुद से लड़ सके इसका मतलब यह हुआ कि चीन के द्वारा दुश्मनों चीन के दुश्मनों को भारत के द्वारा हथियार दिया जाना यह दर्शाता है कि चीन यह मानता है कि अगर इंडिया को हम अपने साथ ले गए तो फिर अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा आपको याद होगी भारत ने हाल ही में चीन को काफी सारी चुनौतियां दी हैं चाहे फिर उसके दुश्मनों को वेपन देकर की हो या फिर चीन के जासूसी जहाज को श्रीलंका में आने से रोका गया हो ये सारी वो चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि श्रीलंका में जासूसी जहाज जब एंट्री नहीं कर पाएंगे तो ये भारत की डिप्लोमेटिक विन को दर्शाता है इतना ही नहीं हाल ही में भारत ने अमेरिका से चीन से भी अधिक व्यापार कर लिया है यह चीन को चिंतित करता है चीन को चिंतित करने में सबसे बड़ा कारक इस बात का भी है कि हाल ही में शी जिनपिंग ने पब्लिकली यह स्वीकार किया कि उनकी इस समय मतलब डाउन स्थिति में चल रही है तो ऐसी स्थिति में भारत उसे एनी हाउस फिर चाहे इंडियन ओशियन हो या पैसिफिक ओशियन चीन भारत को साथ लेने का हर संभव प्रयास करेगा क्योंकि भारत इंडियन ओशियन में चीन के दबदबे को तो स्थापित नहीं होने देगा यही कारण है कि 2035 तक भारत एक वॉरशिप इंडियन ओशन में प्लान कर रहा है यानी कि हम ब्लू इकोनॉमी हैं और इंडियन ओशियन के तो हम किंग हैं यह बात हम स्थापित करने का तमाम प्रयास कर रहे हैं रही बात रूस के साथ चीन के संबंध की तो भारत और रूस तो ऑलरेडी बहुत अच्छे संबंधों में चली रहे हैं चाइना ने हाल ही में अपने सिग्नल्स देकर के इम्प्रूव करने के भारत से रिलेशन कई हिंट दिए हैं और ऐसी स्थिति में बार बार चीन का ये कहना कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं ये दर्शाता है कि वो भारत का साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाहता है ऐसा क्यों है आपको मालूम होगा हाल ही में ब्रिक्स की समिट हुई थी ब्रिक्स की समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सब लोग ऑनलाइन जुड़े थे अब ब्रिक्स नेशंस जिसमें ब्राजील रशिया इंडिया साउथ अफ्रीका चाइना जैसे देश शामिल हैं ऐसे देशों को अब अपने साथ और देश ऐड करने हैं ऐसी स्थिति में ब्रिक्स में नए देशों के आगमन में भी भारत भारत की बहुत बड़ी भूमिका है कि भारत उन्हें आने देगा अथवा नहीं क्योंकि यहां पर ब्रिक्स नेशंस में सऊदी अरेबिया इजिप्ट इथोपिया ईरान यूए ये सब शामिल होने वाले हैं और शामिल होकर करेंगे क्या ये अपनी एक कॉमन करेंसी बनाना चाहते हैं ब्रिक्स करेंसी बिना भारत के कोई कॉमन करेंसी बन नहीं सकती क्योंकि ब्रिक्स भारत ब्रिक्स का संस्थापक देश है ऐसी स्थिति में बिना भारत के परमिशन के कोई काम आगे चल नहीं सकता अमेरिका को भारत चैलेंज ब्रिक्स करेंसी के माध्यम से देना नहीं चाहता ये पहले क्लियर कर चुका है तो भारत को प्यार से ही संभाला जा सकता है भारत को आप दुत्कार के साथ नहीं ले जा सकते भारत को प्यार से साथ ले जा सकते हैं चीन ये जानता है ऐसी स्थिति में संभव है भारत की तारीफें की जा रही हूं खैर फिलहाल के लिए तो यह देखने वाली बात है कि भारत चीनी झांसे में आता है या नहीं आता या फिर हम इसे वाकई में अपनी तारीफ समझ कर खुश होते हैं ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं ट्विटर पर जाकर लिख सकते हैं हमें अपनी राय बता सकते हैं मेरे प्यारे साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में जब भी इस प्रकार का सेशन आए तो आपको उसकी जानकारी पूरी मिल जाए इसके साथ साथ यदि आप अपनी पाठशाला का चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने आपके सामने यहाँ पर एक लिंक दे दिया है आप इसे डायरेक्ट यहीं से व्हाट्सएप चैनल जिंक ज्वाइन कर सकते हैं और हाँ यदि आप में से कोई भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है तो हमारे द्वारा अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर रोजाना शाम को एम कराए जा रहे हैं और मॉर्निंग में एप्लीकेशन पर फुल कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है और वो भी मात्र 499 के अंदर अभी चार क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर जल्दी ही क्लासेस की संख्या बढ़ने वाली है संभवतः आज से या कल से क्लासेस की संख्या छह या सात तक पहुंच जाएगी आप जाइए और तुरंत अपने लिए सीट बुक करिए अगर आपने ऑलरेडी कहीं से भी कोर्स पढ़ा हुआ है तो एक बार यहां पर जाकर हमारे जो एकदम यंग डायनेमिक टीचर्स हैं उनसे पढ़कर देखिए क्या आपको कुछ लाभ मिलता है या नहीं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए फिलहाल के लिए इतना ही अपना ख्याल रखें और हां यदि आप में से कोई भी साथी मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहता है हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी के तो फाउंडेशन के नोट्स मैं मात्र वन ट्रिपल नाइन में थ्री थाउजेंड्स पेजेस से अधिक के नोट्स आपके घर पर इंक्लूडिंग कुरियर चार्ज डिलीवर कर रहे हैं अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं आपका समय शुभ हो धन्यवाद